इट इज फैंटास्टिक. मेरा मतलब इट इज ड्रीम फॉर एवरी न्यू कमर टू वर्क विद हिम इवन टू स्टार्ट विद हिम. और मैं ये सोचता था कि भाई मुझे, क्योंकि हम थिएटर के लोग हैं, थिएटर से आए, बाहर से आए, किसी को जानते नहीं, तो अपनी जगह बनाना. तो मैं सोचता था कि अगर मैं ऐसे ही सबसे मिलूँगा जाके तो मुझे कोई कहीं खड़ा कर देगा कहीं का. तो मैं हमेशा डीप थिंकिंग में ये था कि एक इंसान है जो मुझे मौका दे सकता है. जस्ट वर्किंग टूवर्ड्स दैट एंड मुझे मौका मिला. सो वर्किंग विद हिम लाइक इट्स फैंटास्टिक. इट्स लाइक नो वर्ड्स. आई डोंट हैव एनी वर्ड टू से. आई कैन यू नो लाइक आई कैन से थ्रू आउट माई लाइफ आई विल नेवर गेट बोर्ड वर्किंग विद हिम. आपको इस फिल्म का ऑफर किस तरीके से मिला है, किस तरीके से आपको मूवी मिली? कॉन्ट्रैक्ट? अभी ऑफर का तो ऐसा कुछ स्कोप रहा नहीं. उस तरह से है कि आरजीवी व्हेन एवर ही मेक्स अ फिल्म ही थिंक्स अबाउट मी. इफ आई एम फिट ही कॉल्स मी, इफ आई डजंट ही डजंट कॉल मी. तो वो है, ऐसा है. तो उनको लगा कि ये कैरेक्टर मुझे करना चाहिए, उन्होंने मुझे बुला लिया. मूवी में आपके रोल के बारे में? मूवी के अंदर जो मेरा रोल है वो एक आतंकवादी का है, एक मिलिटेंट. और हम सब मिलिटेंट्स को मुस्लिम मिलिटेंट्स के रूप में जानते हैं बिकॉज ऑफ दी व्हाट दे आर डूइंग एंड कश्मीरी मिलिटेंट्स या बटे वो. तो वो एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है दिमागी तौर पे, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है. खाली आतंकवादी कहने के लिए नहीं है वो सोचता, सपने देखता है कि मैं किस तरह से दुनिया को बर्बाद कर दूँ. उसको मज़ा आता है ऐसा सोचने में और ऐसा करने में. और बैठे बैठे आप आराम से बहुत जो एक तरीका है जिस तरह से आरजीवी कैरेक्टर्स को बनाते हैं या हैंडल करते हैं. सो वो अपने हिसाब से चीज़ों को बनाने की कोशिश करते हैं कि एक आदमी बहुत बड़ी बात आसानी से कह दे तो ज़्यादा ख़तरनाक लगेगा शायद. और ही प्रूव्ड इट. सो वैसा ही ये भी है, हाईली मैनिक लेकिन बहुत लाउड नहीं. देखिए मैं ये बताता हूँ कि चैलेंजिंग ऐसे है, एक मुस्लिम मिलिटेंट, आपने दाढ़ी लगा दी या कुछ एक रुमाल जैसा कुछ बांध लिया और आप जो है मतलब लाल आँखें करके कुछ ऐसे करके बोलने लगे, वो तरीका है. लेकिन चैलेंजिंग साइकी ऑफ द कैरेक्टर इज़ लाइक एक आदमी जो चाहता है कि पानी की जगह नदियों में खून बहे, जो चाहता है कि जो लोग चल रहे हैं वो खून से लथपथ सड़कों पे पड़े हुए दिखें, वो ऐसा सिनेरियो कर देना चाहता है दुनिया का. तो दिमागी लेवल पे वो इतना ख़तरनाक और इतना बीमार है. और वो एक अपने आप को ऐसा सोचता नहीं है लेकिन उसकी साइकी ऐसी है जैसे एक आर्टिस्ट की होती है. जैसे एक आर्टिस्ट ने पेंट का एक ब्रश मारा, दूर जाके खड़ा होकर देखता है ठीक लग रहा है कि नहीं, फिर दूसरा, फिर ऐसा. तो वो इस तरह से अप्रिशिएट करता है अपने काम को, इस तरह से अपने काम को लेता है. उसके लिए उसका जो काम है टेररिज्म वो एक आर्ट की तरह है. तो वो और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है चीज़. तो इस स्टेट ऑफ माइंड को अचीव करना जो कि बहुत लाउड भी ना हो, वो एक थोड़ा सा चैलेंजिंग आप उसको कह सकते हैं. प्रिपरेशन होती है उसमें, कुछ ख़ास तरह की कभी नहीं होती. ये है कि हर रोल के लिए एक ही तरह की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, वही एक प्रोसेस होता है. तो इसके लिए भी वैसा किया, उस प्रोसेस में जाके जो कुछ मिला उसको उसमें फिल्म के अंदर डाल दिया. आज की फिल्म्स की क्या खासियत है? उनके कैरेक्टर्स जो है ना वो बहुत डिफरेंट होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं. एंड दी
मिक्सचर ऑफ टेक्निक एंड दी कैरेक्टराइजेशन, उनसे जो निकल के चीज़ आती है वो बहुत इम्पैक्टफुल होती है। तो आपने आज इतनी मूवीज देखी होंगी जबरदस्त हिट रहती है हमेशा, तो आपकी कौन सी फेवरेट मूवी है? मेरी फेवरेट मूवी कौन सी है आज? आरजीवी की फेवरेट जो फिल्म है वो, मतलब आरजीवी की जो फिल्म मेरी फेवरेट है, मुझे तो सारी फिल्में अच्छी लगती हैं, लेकिन ये है कि अगर आप इस बॉक्स ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो कुछ फिल्में फ्लॉप हैं, कुछ हिट हैं। अब ये बड़ा अजीब सा क्राइटेरिया है कि फ्लॉप फिल्म ख़राब होती है और हिट फिल्म अच्छी होती है, ऐसा मैं मानता नहीं। वो ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता कि जिनको नहीं पसंद आई नहीं पसंद आई। तो मुझे मतलब सत्या बहुत इम्प्रेसिव कंपनी इन, सत्या बहुत अच्छी फिल्म है। इस फिल्म में रियल लाइफ कैरेक्टर्स भी नजर आएंगे क्या? मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। रियल लाइफ कैरेक्टर नहीं है, सब एक फिक्शन है, एक आइडिया है, रियल लाइफ कैरेक्टर्स नहीं। Thank you. Thanks a lot.